नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मोबाइल का अधिक से अधिक इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, ये बताएंगे आपको डॉक्टर विनय गुप्ता। विवेकानंद जिला पुस्तकालय में लड़के लड़कियों को पुस्तक पढ़ने के लाभ और मोबाइल से अधिक नुकसान होने के बारे में जानकारी दी गई। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। स्थानीय विवेकानंद जिला पुस्तकालय में लड़के और लड़कियों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लाभ तथा मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करने से होने वाले नुकसान के बारे में डॉक्टर विनय गुप्ता ने विशेषकर जानकारी दी। डॉक्टर विनय गुप्ता ने अपने संबोधन में बताया कि आज से आधुनिक युग में जहां पर मोबाइल का इस्तेमाल हमारे जीवन के लिए जितना उपयोगी है, उतना ही मोबाइल का सीमा से अधिक इस्तेमाल करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। उन्होंने कहा कि मोबाइल में ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में कई भयंकर बीमारियां भी हो जाती हैं, इसलिए हमें मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि पुस्तकालय में अच्छी का पुस्तकें काफ़ी पढ़ने को मिलेंगी, जिनका सभी लड़के लड़कियां पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे उनके ज्ञान में वृद्धि ही होगी। पुस्तकालय में आने वाली लड़कियों ने कहा कि वास्तव में हमारे यहाँ पर डॉक्टर विनय गुप्ता ने पूरी जानकारी दी है और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए हमें मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। वहीं प्रिंसिपल ऋषिपाल बेदी ने कहा कि आज का युवा हर वर्ग समय पर मोबाइल में व्यस्त रहता है, वो आप किसी भी समय देख सकते हैं, हमेशा मोबाइल उनके हाथ में मिलेगा जो उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है, इसलिए मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। मोबाइल से बौद्धिक विकास भी रुक जाता है। आप देख रहे हैं पल-पल की विशेष रिपोर्ट। माइंड क्या होता है? माइंड होता है स्टेट ऑफ माइंड, जिस धारणा में जो हम चीज़ ले रहे हैं, जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है वो विकसित नहीं हो पाता। हम लोग हर चीज़ के लिए इंटरनेट पे डिपेंड हो जाते हैं, वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट। आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, आप कहते हैं अभी गूगल पे सर्च करो, यू हैव लॉस्ट योर क्रिएटिविटी। पहले आप अपने माइंड को सोचते थे कि हाँ यार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो, कैलकुलेशंस थी वो हम अपने माइंड से ही कर लेते थे या यार ये हो जाता है, लेकिन आज हम बहुत हद तक कैलकुलेटर्स और इस पर डिपेंडेंट इंटरनेट। थर्ड है इमोशंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, आप लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक इमोशनल बैलेंस, अभी मोबाइल फोन हमारे देखिए सब ने देखे टिकटॉक, उस टिकटॉक में हमारा दिमाग ना चाहते हुए भी 2 घंटे 2.5 घंटे लगातार टिकटॉक देखता रहता है, हर 2.5 घंटे में कितने 600 वीडियो देख लेते हैं और आपको पता भी नहीं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सर को कि उन्होंने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को हमारे यहाँ में मोटिवेट करने के लिए बुलाया, और सर ऐसी चीज़ें सुन के हम ना अपनी ज़िंदगी में बहुत मोटिवेट होते हैं अच्छी चीज़ें करने के लिए, और हम अपने डेली जिंदगी में जो चीज़ें गलत कर रहे होते हैं वो हमें इनसे सुन के कहीं ना कहीं पता चलता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या चीज़ें हम सही कर सकते हैं। सर ने हमें मोबाइल के बहुत सारे नुकसान के बारे में बताया कि वो हमारे कानों के लिए, दिल के लिए, और स्पेशली आज के जीवन में हमारे संबंधों के लिए बहुत हानिकारक है। ये हमें पास नहीं लाता, हमारी ज़िंदगी में दूरियों को बढ़ा रहा है, इसलिए जब अपने परिवार में बैठे तो मोबाइल को साइड कर दे और मोबाइल का सीमित यूज़ करके, एक अच्छे तरीके से यूज़ करके किसी भी चीज़ से बेनिफिट लिया जा सकता है। शराब हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दवाइयों में भी यूज़ होती है। सर ऐसे घी बहुत सेहतमंद है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो भी आपके लिए हानिकारक है। ऐसा ही मोबाइल है, एक शराब या घी की तरह सीमित यूज करोगे तो आपके लिए अच्छा, और सीमा से ज्यादा करोगे तो कोई भी चीज हानिकारक। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरा नाम पूजा है, और आज सर हमारे, मतलब जैसे सर एक डॉक्टर हैं और सर दूसरे सर के कहने पर हमारे पास आए, और हमारी ये लाइब्रेरी जो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब हम यहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं, और सर ने हमें बहुत बहुत अच्छी बातें बताई, जैसे कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ भी, हमारे जीवन में मोबाइल फ़ोन का यूज़ भी होता है और मिसयूज़ भी होता है, बट हम लोग ज़्यादातर मिसयूज़ करते हैं आज के टाइम में। तो मतलब हमें मोबाइल फ़ोन का तो बहुत सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, और हम तो करते ही हैं, हम लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं, फ़ोन को साइड में रखकर अपना काम करते हैं। सर ने हमारी और भी ज़्यादा आंखें खोल दी कि आप अच्छे से यूज़ किया करो मोबाइल फ़ोन का, और हमें हमारे ब्रेन के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई जो अभी तक हमें नहीं पता थी कि हमारा ब्रेन दिमाग जैसे काम कैसे करता है, एक ब्रेन होता है एक माइंड होता है, कैसे गुड फीलिंग्स हम उनको ले सकते हैं, बैड फीलिंग्स को कैसे ले सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो अभी तो हमारे जीवन में यूज़ होंगी लेकिन फ्यूचर में भी बहुत काम आएंगी। थैंक यू। देखिए सबसे पहले तो मैं श्री ऋषिपाल बेदी जी का, जिनके सानिध्य में इस पुस्तकालय का विकास हुआ है और इस तरह की सौगात जो है हमारे जिला के
बच्चों को जो दिलाई गई है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद सेकेंडरी चीज़ जो इन्होंने की कि जो यहाँ पर रीडर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे अभी आने शुरू ही हुए हैं, तो इनका मनोबल और बढ़े और उनको किस प्रकार से लगे कि यहाँ आने का फ़ायदा भी है, उसके लिए इन्होंने मेरे लेक्चर का अरेंजमेंट किया था, जिसके लिए मैंने बच्चों को रीडिंग के बारे में और मोबाइल फ़ोन्स के दुष्प्रभाव और उनका किस तरह से सदुपयोग किया जा सकता है इसके बारे में बताने की कोशिश की। क्या जी, जाहिर तौर से हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दोनों ही होते हैं। अगर हम किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो तब तक ही वो सही है जब तक वो सही दिशा में चल रहा है। यदि उसका उपयोग गलत दिशा में जा रहा है, अब जैसे एक हथियार है, उसे हम अपनी सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी क्रिमिनल गतिविधि को करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, मोबाइल आज के दौर में हथियार के रूप में ही प्रयोग में हो रहा है। तो क्या सुझाव मेरा यही है कि क्योंकि अवेयरनेस कम है लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली युवाओं में इस तरह की अवेयरनेस, इस तरह की जागरूकता लाना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से जो ये मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, टीवी मीडिया है, इसको युवाओं को भटकाने की बजाय एक सही दिशा में लाने का प्रयास किया जा सकता है और ये बेहद ही मुमकिन है। क्योंकि जैसे ऋषिपाल बेदी जी जैसे लोग जब हमारे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं तो इसका मतलब ये प्रयास जीवंत है हमारे समाज में कि जागरूकता फैलाने का काम चल रहा है। ये आज जो भौतिकवाद का जो युग है, और आपने भी बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट किया है कि अमेरिका के अंदर जो बच्चे पहले मोबाइल वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, इंटरनेट वगैरह, गूगल जो प्रयोग करते थे, अब उन्होंने जो है लाइब्रेरी ज़्यादातर ज्वाइन कर ली है। कई बार हम व्हाट्सएप के ऊपर या डाउनलोड करके उसके ऊपर जो मटेरियल होता है वो पूरा नहीं हो पाता और हम उस बात को आगे से आगे प्रचार करते हैं, जिससे फिर हमें थोड़ी नाकामी मिलती है। और जो बुक्स होती है वो अच्छे राइटरों के द्वारा लिखी होती है, उसमें पूरा पूरा लिटरेचर होता है। तो मैंने भी बच्चों को ये बात कही है कि बच्चों को एक तो हल्का लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें फूटपन ज़्यादा होता है, और बच्चों को अच्छा लिटरेचर, अच्छा अखबार पढ़ने चाहिए ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो। क्योंकि ये जिंदगी, ये जीवन है कि बच्चा जिस तरह का लिटरेचर पढ़ता है, जिस तरह का साहित्य पढ़ता है, उसका विचार भी उसी तरह का बनता है। और मैं बच्चों को हर बार ये कहता हूँ कि जो बच्चा चिंतन करता है, जो बच्चा सोचता है, वही व्यक्ति जो है आगे कुछ ना कुछ खोजता है।